दोस्तों आप सेंट्रल अमेरिका के अंदर जाना चाहते हैं या साउथ अमेरिका के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे उसके अंदर कोई भी कंट्री हो, एल सल्वाडोर हो, बोलीविया हो, बेलीज हो, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, या फिर साउथ अमेरिका के अंदर बोलीविया, वेनेजुएला, जुआना और ब्राज़ील, कोई भी यानी कि पेरू, कोई भी कंट्री हो जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपको हमारे देश यानी कि अपनी होम कंट्री से आपको बोर्डिंग पास नहीं देते या फिर आपको चढ़ने नहीं दिया जाता, तो इस चीज़ का हल क्या है? अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं साउथ अमेरिका के अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वहाँ पर ट्रैवल करके आ सकते हैं, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे उन कंट्रियों को आप विजिट कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 कंट्रियाँ, मिनिमम 4 कंट्रियाँ तो आप कम से कम ट्रैवल कर लें, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तो एक बार उधर हो गया, उसके बाद आप दुबई वगैरह जाए, इसके बाद आप अपनी सर्बिया या किसी अल्बेनिया या फिर कोई और आसपास की कंट्री या अजरबैजान, वहाँ पर ट्रैवल कर लें। इसके बाद दोस्तों आप अपना ट्रैवल प्लान, जो आपका ट्रैवल प्लान है वो साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका के अंदर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उधर का बनाएं। लेकिन आप उधर जाएं कैसे, आप उधर यानी कि कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के, ये मेन बात जो ये है कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इंडिया से चढ़ने नहीं दिया जाता, कई काफ़ी लोगों के पास वेनेजुएला का वीज़ा है यानी कि जुआना का वीज़ा है या ब्राज़ील का है या बेलीज का है, तो हम कैसे ट्रैवल करें। आप दोस्तों अगर इंडिया से आपके पास नहीं चढ़ने दिया जा रहा तो आप कोई घबराने की कोई बात नहीं है, जब आप टिकट बनाते हो तो मल्टी सिटी का एक ऑप्शन आता है, या जिस ट्रैवल एजेंसी से आप अपनी एयरलाइन की टिकट लेंगे तो आपने आने जाने की टिकट करवानी है, लेकिन मल्टी सिटी का ऑप्शन उसमें होता है, एक वन वे होता है, एक रिटर्न टिकट होता है और एक होता है मल्टी सिटी। तो मल्टी सिटी के हिसाब से आप अपना प्लान उनको बुरे चॉइस करें। कैसे करें? सबसे पहले आप दुबई चले जाएं। दुबई से भी काफ़ी फ्लाइटें ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर जाती हैं। अगर आपको वहां से भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से आप अजरबैजान चले जाएं। अजरबैजान यानी कि बाकू, आप वहां से ट्राई करें, नहीं तो वाया अजरबैजान, जो यानी कि बाकू से अजरबैजान से आप वाया टर्की के थ्रू होके आप साउथ अमेरिका के ऊपर, सेंट्रल अमेरिका के पास एक छोटा सा कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में जिसको बोलते हैं क्यूबा, यानी कि वहाँ हवाना जो पॉइंट है, जो एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे, वहाँ के जरिए आप या तो आप क्यूबा का वीज़ा ले लें, क्यूबा का वीज़ा बड़ा आसानी से मिल जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों आप दुबई, अजरबैजान इधर के जरिए होके या फिर टर्की की एयरलाइन लेके वहाँ पे स्टे कर, 1-2 घंटे की स्टे होती है, 4 घंटे की स्टे होती है वहाँ टर्की में, तो आप वहाँ से अपना हवाना चले जाएं यानी कि क्यूबा चले जाएं, और क्यूबा जो कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका दोनों के बिल्कुल नज़दीक है, तो आप वहाँ से क्यूबा से अगर आपके पास बेलीज का वीज़ा है तो वहाँ बेलीज चले जाएं, यानी कि सेंट्रल अमेरिका, एल सल्वाडोर आपको अपन पता ही है कि वीज़ा फ्री है इंडियन के लिए, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं आप, लेकिन दो से चार दिन आप वहाँ रुकें, वहाँ ट्रैवल करें, घूमें फिरें आप, क्योंकि आपके पास वहाँ का वीज़ा होगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगर जो लोग नीचे जाना चाहते हैं यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर, जैसे वेनेजुएला है या जुआना है, ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है या बोलीविया है, बोलीविया हमारे इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल है तो वहीं पे जाके मिल जाता है, कोई किसी तरह की मुश्किल नहीं आती है, सिर्फ एक बार आप वहाँ पे चले जाएं। तो ऐसे करके दोस्तों आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम बीच का रास्ता भी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहता हूँ कि आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कुछ कंट्रियों के थ्रू इधर उधर ट्रैवल करते चले जाएं और ऐसे में आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका पहुँच जाएंगे और अपना आप ट्रैवल करें, आप घूमें फिरें, आप अपने मन की चॉइस अभी आप घूमेंगे तो आप घूमें फिरें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके दोस्तों आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो
काफी ऐसे सिस्टम के हिसाब से जाते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे करने से दोस्तों काफी लोगों को और जो ट्रेवल करना चाहते हैं तो उनको भी काफी प्रॉब्लमें आती हैं, उनको भी उसी दिशा से उसी सिस्टम से देखा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आज की आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आती हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। तो जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।